नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब जब गोदी मीडिया का जिक्र होता है तो कुछ पत्रकारों का नाम उसमें जरूर शामिल होता है। कहा जाता है इसमें पत्रकार अंजना ओम कश्यप और पत्रकार रूबिका लियाकत सबसे पहले है। जब भी ये बीजेपी के समर्थन में कुछ बोलती है तो इन्हें ट्रोल किया जाता है, जैसे अभी राहुल गांधी की वजह से फंस गई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल लोग इस वक्त पत्रकार अंजना और रूबिका पर सवाल उठा रहे हैं कि मणिपुर के मुद्दे को अब जब विपक्ष उठा रहा है तो इनको इससे भी दिक्कत है। एक तरफ मोदी अपने ही देश की समस्या को इग्नोर कर रहे हैं, मणिपुर एक बार भी वो नहीं गए हैं। दूसरी तरफ जब सांसद राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे जनता की समस्या देखने, तब उन्हें क्यों ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जैकी यादव नाम के यूजर ने पत्रकार अंजना ओम कश्यप और रूबिका लियाकत को ट्रोल किया है, मणिपुर को लेकर इन पर सवाल उठाया है। उन्होंने दोनों की ही तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है, हम सब सोच रहे थे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत ना मिलने के बाद ये गोदी मीडिया सत्ता की चरण वंदना में कुछ कमी कर देगी या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बैलेंस बनाकर चलेगी, मगर हम सब गलत सोच रहे थे, इन्हें चरण वंदना की तगड़ी वाली लत लग चुकी है। आगे उन्होंने लिखा, अंजना ओम कश्यप राहुल गांधी की मणिपुर विजिट पर अपने प्रोग्राम की हेडलाइन रखती है, राहुल दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। रूबिका लियाकत राहुल गांधी की मणिपुर विजिट पर अपने प्रोग्राम की हेडलाइन रखती है, संवेदना या सियासी वेदना। गोदी मीडिया दिनों दिन गिरती ही चली जा रही है, इन्हें ऐसा लगता है कि देश में अब सत्ता कभी बदलेगी ही नहीं। तो कुछ इस तरह से राहुल गांधी की वजह से रूबिका और अंजना फंस गई है, इन्हें जैकी यादव ने ट्रोल किया है। यहाँ सवाल ये उठ रहे हैं कि इन्हें राहुल गांधी के मणिपुर जाने से भी दिक्कत है, वहीं जनता भी उन्हें लताड़ लगा रही है। अनुराधा पटेल ने दोनों पत्रकारों की तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, आज का बड़ा सवाल, क्या आप इन्हें पत्रकार मानते हैं। अंकित यादव नाम के यूजर ने लिखा है, इतना कोई नहीं गिरता जितना गोदी मीडिया गिर चुकी। आर एस सिंह ने लिखा, राहुल दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, संवेदना या सियासी वेदना, बेशरम गोदी मीडिया। अशोक सिंह ने लिखा है, गोदी मीडिया थी, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया रहेगी। एक और यूजर ने लिखा, कुछ मीडिया वाले बिना किसी तर्क के सत्ता पक्ष की सराहना और विपक्ष की आलोचना ही करते रहते हैं। फिलहाल आपको बता दें, राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने हिंसा प्रभावित इलाकों में कुकी और मैतेई दोनों समुदाय से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इसको लेकर उनकी बहुत तारीफ और मोदी की आलोचना हुई। कहा गया कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जनता के लिए फर्ज निभा रहे हैं, इसीलिए राहुल पर सवाल उठाने पर पत्रकार रूबिका और अंजना को ट्रोल किया गया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। कि अब मैं आया हूं, काफी समय बाद आया हूं, तीसरी बार है, एक साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा, मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकते हैं, कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं।